देखिए आपसे बात करनी है इसलिए मैं मास्क उतार रही हूँ, लेकिन आप अगर बाहर हैं तो मास्क आप बिल्कुल मत उतारिए, क्योंकि यही इस वक्त एक बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने का। हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना काल विकराल होता जा रहा है, लगातार जो मामलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन से लेकर बेड वेंटिलेटर तक सब पर संकट है। वायरस के तांडव की टोटल ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको कोरोना पर आज के 10 बड़े अपडेट देते हैं सिलसिलेवार तरीके से, ये अपडेट आपके सामने। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हथियार है ये हमेशा अपने साथ रखना है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,84,000 मामले सामने आए हैं, 1,027 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। दिल्ली में 13,468 नए केस आए हैं, 81 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुंबई में 7,898 नए केस आए हैं, 26 लोगों की मौत अकेले मुंबई में हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है, कई सारे कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 67 कैदियों की तादाद बताई जा रही है, 2 की जान चली गई है और कई लोगों के टेस्ट वहां पर करवाए गए हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू होगा। आपको बता दें कि बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, महाराष्ट्र में 1 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा, यानी कि लॉकडाउन का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी हो गई है। जरूरी इसलिए हो गई है कि महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जबकि जो 10वीं की परीक्षा है उसे रद्द करना पड़ा है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं। और लगातार आपकी चैनल न्यूज दर्शन ने भी छात्रों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, और सबने ये कहा, और हमारी भी एक मुहिम थी, क्योंकि छात्र जिंदगी बहुत जरूरी है, परीक्षा से ज्यादा जिंदगी जरूरी है। और इसी को देखते हुए सरकार सीबीएसई ने भी ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली से अहमदाबाद तक, जयपुर से लखनऊ तक कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड आसमान पर है, अस्पतालों में संजीवनी का शॉर्टेज है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट में किस तरह शहर शहर दिन रात काम हो रहा है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत सीरियस सिचुएशन इमर्ज हो रही है। ये दिल्ली के नारायण इंडस्ट्रियल एरिया का ऑक्सीजन प्लांट है। 20,000 लीटर ऑक्सीजन की क्षमता वाले इस प्लांट में अब सिर्फ 400 से 500 छोटे सिलेंडर भरने लायक ऑक्सीजन गैस बची है, यानी इमरजेंसी वाले हालात हैं। ऐसे में अब इस प्लांट से उद्योग धंधों में इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है और अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ये जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है और इंडस्ट्रियल सिलेंडरों की सप्लाई दिल्ली के 5 बड़े फिलिंग स्टेशन से की जाती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और जो सफ़ेद कलर के आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त जान बचाना सबसे ज़रूरी है, लिहाजा इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है और मेडिकल यूनिट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। लेकिन जो क्राइसिस है वो यहाँ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। कोरोना वायरस गुजरात में भी बेकाबू है, यहाँ हर मिनट में 4 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं और हर घंटे 3 लोगों की जान जा रही है। 24 घंटे में 6,690 नए केस आए, जबकि 67 मरीजों की मौत हो गई। मौत की सबसे बड़ी वजह गंभीर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलना है। ऐसे में अहमदाबाद के ऑक्सीजन प्लांट में भी अब 24 घंटे सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा है। कोरोना के पेशेंट गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में इसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ये कमी इसलिए आई है क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड द क्लॉक जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो रिफिलिंग किया जा रहा है ताकि दिक्कत ना आए। हमने यहाँ के जो ओनर है उनसे बातचीत की, उनका साफ कहना था कि पिछले कई दिनों से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन सरकार ने अभी ये आदेश दे दिए हैं कि अब 100% जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो मेडिकल में ही जाएगा, यानी जो
इलाज के लिए है वहीं जाएगा। और पिछले एक हफ्ते से ऑक्सीजन में कमी थी, लेकिन फिलहाल जो अब सरकार का ये जो निर्णय है उसके बाद जो है इस ऑक्सीजन की कमी नहीं रह जाएगी। राउंड द क्लॉक 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना विकराल होता जा रहा है। यहाँ एक हफ्ते में 204% नए केस बढ़े हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,963 नए केस आए। 85 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जाहिर है यूपी में भी ऑक्सीजन प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का दबाव बढ़ गया है। मैं मेरठ के एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट में हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। जो पिछला पार्ट हमने दिखाया जहां स्टोरेज बॉयलर थे सारे, जिसमें ये ऑक्सीजन गैस भरी हुई थी, उसके बाद इन पाइपों से, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इन पाइप से ये गैस आ रही है, इन पाइपों के जरिए आ रही है। और ये मैनिफोल्ड है, इस चीज़ को मैनिफोल्ड बोला जाता है। ये जो तांबे के आप तार देख रहे हैं, पाइप देख रहे हैं, और ये सारा सॉकेट जो लगा हुआ है इन सिलेंडर्स में, इसे मैनिफोल्ड कहा जाता है, जिनके जरिए पाइपों के थ्रू, ये पाइप आप देख रहे होंगे, मैं वीजे से चाहूँगा कि दिखाएं, इन पाइपों में ये गैस आ रही है ऑक्सीजन गैस, और मैनिफोल्ड के जरिए, ये मैनिफोल्ड है पूरा, ये ब्रास का जो पाइप है, इसे मैनिफोल्ड बोला जाता है, इनके जरिए सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर लोड हो रहे हैं, ये सब मेडिकल पर्पस से ऑक्सीजन यूज की जाती है। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। 24 घंटे में 5,528 नए केस मिले हैं, जबकि 28 लोगों की मौत हुई है। जाहिर है मरीजों की तादाद बढ़ने से यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है, लेकिन केवल महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ही कोरोना की कहर का खतरा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, फिलहाल हम RUHS में ऑक्सीजन गैस प्लांट पर है और गैस रिफिलिंग का काम यहाँ चल रहा है। और करीब 24 घंटे में एक बार इस प्लांट में गैस रिफिलिंग की जाती है और इसकी क्षमता है 1700 सिलेंडर की। लेकिन गंभीर जो तथ्य सामने आ रहा है वो ये है कि दो दिन पहले यहाँ करीब 300 या 400 सिलेंडर ही जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब प्रतिदिन 800 सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लगातार इस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो ये प्लांट कम पड़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी यहाँ भी हो सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हों कि इस तरह लापरवाही बरतते रहेंगे, मास्क के बिना घूमते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे, और आप फिर ये कल्पना करें कि हॉस्पिटल में जाके आपको बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, तो तय मानिए हालात भयावह होने वाले हैं। थम जाइए समय रहते, नहीं तो ये कोरोना का महाविस्फोट राजस्थान की धरती पर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। तो ये तो हालात आपने देखे, आइए अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑक्सीजन की बात वेंटिलेटर बेड की करेंगे और दवाओं की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने, पटना और रांची की ये तस्वीरें। बुरा हाल है सदर अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज का। मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं, सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं है, बेड्स की कमी है, लोग आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। पटना और रांची दोनों जगह मौत पर मातम है। पटना के NMCH में जहाँ एक बेटा अपने कोरोना संक्रमण पिता की मौत की वजह से बेसुध है, तो वही रांची की तस्वीरें भी देख लीजिए। सदर अस्पताल में एक बेटी पिता की मौत की वजह से आपा खो बैठी है। दोनों की जगह सरकारी लापरवाही ने मरीज की जान ली। हैरानी की बात यह है कि दोनों अस्पताल में घटना के वक्त अपने अपने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। कोरोना पॉजिटिव थे, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहां बोले। ये तस्वीरें वाकई में पीड़ा पैदा करती हैं और इसीलिए हम लगातार अपील कर रहे हैं कि हम सबको अपना ख्याल रखना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी। आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में बेड और वेंटिलेटर की डिमांड हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। केंद्र हो, राज्य सरकारें हो, सबका दावा है कि अभी संकट नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले चार दिनों से लगातार कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। हेल्थ सिस्टम जवाब दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केस आए, जबकि 81 मरीजों की मौत हुई है। जाहिर है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ी है, तो अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ा है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि ना तो बेड की कमी है और ना ही वेंटिलेटर की।
अब 13,000 से भी ज़्यादा बेड हैं, हम लगातार बहुत ही तेज़ी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं, अब लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। वेंटिलेटर है वो बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है, तो वेंटिलेटर इज़ नॉट द बेसिक ट्रीटमेंट। हाँ, वेंटिलेटर के बेड बहुत सारे हैं, पर बेड के ऊपर अगर पेशेंट होता है तो उसको ऐप के अंदर भरा हुआ दिखाया जाता है, बट वेंटिलेटर्स की कमी बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा तो आपने सुन लिया, लेकिन क्या वाकई यहाँ अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है? ग्राउंड पर हालात क्या है, ये जानने के लिए हमने जायजा लिया दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पतालों में से एक LNJP हॉस्पिटल का। कोरोना की रफ्तार दिल्ली में इस कदर बढ़ रही है कि अब लोगों को बेड्स मिलने और खासकर ICU बेड्स मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये LNJP अस्पताल है, जहाँ पर इस वक्त स्थिति ये है कि 0 वेंटिलेटर बेड है। और ये हम नहीं कह रहे, कोरोना की जो इनकी ऐप है उसके मुताबिक, ये देखिए, ये जो दिल्ली के जो दो बड़े अस्पताल हैं, लोकनायक हॉस्पिटल, उसमें 200 वेंटिलेटर बेड्स हैं ICU के वाले, लेकिन 0 वैकेंट दिखा रहा है अभी। और यही हाल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी है, 0। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। 13,000 से ज़्यादा मामले बीते 24 घंटे में आए हैं, और जिस तरीके से स्थिति है अस्पतालों की, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि क्या हालात हैं। आपने देखा किस तरह दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर बेड का संकट है, तो वहीं कोरोना संक्रमण काल में गंभीर मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत भी चिंता बढ़ाने वाली है। बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पतालों में केवल 3 दिन तक के लिए रेमडेसिविर का स्टॉक बचा है। डॉक्टर्स का आरोप है कि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हाई डिमांड की वजह से रेमडेसिविर की होर्डिंग करके ब्लैक में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। ये हालात तब हैं जब कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 8,778 नए केस सामने आए और 67 मरीजों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर में जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए तो रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग भी कम की गई, लेकिन अब अचानक तेजी से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो रेमडेसिविर की कमी साफ देखने को मिल रही है, और कुछ लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं और इस दवाई को ब्लैक में बेच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ आसम मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और देखिए, महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान शुरू हो रहा है। पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो जाएगी और फिर माहौल जनता कर्फ्यू जैसा रहेगा, यानी कि जरूरी काम के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। उससे पहले मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है। लगातार तस्वीरें पिछले कई दिनों से आ रही है और आज सुबह से रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। 0117 बागलपूर एक्सप्रेस वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जल्दी से पहुंचे, गाड़ी का समय हो गया। सामान के साथ लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है, इसमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पेट की भूख इस माया नगरी में खींच लाई थी, और अब जब इनके सामने रोजी रोटी का संकट है तो वो उससे पहले अपने गाँव चले जाना चाहते हैं। मुंबई के इस लोकमान तिलक टर्मिनस पर ये भीड़ उन्हीं कामगारों और मजदूरों की है जिनके पसीने और मेहनत की बदौलत देश की आर्थिक राजधानी की ये चमक दमक आपको दिखती है। लॉकडाउन लग गया है, यहाँ पे रहने का मतलब फंस जाना है। लॉकडाउन का मेरा डर कि मैं फिर बच जाऊँगा अगले तरह से, तो फिर नहीं जा पाऊँगा। लॉकडाउन तो होगा, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन होगा, कोरोना फैला हुआ है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से सुबह और रात, दिन और रात के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए ये नियम जो है वो कड़े कर दिए गए हैं, और यही वजह है कि लोग अब अपने अपने राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कोरोना के दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों के आंकड़े इन लोगों को डरा रहे हैं, और यही वजह है कि लोग अब अपने यहाँ जाने के लिए मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ श्वेता घुम से, न्यूज़ नेशन, मुंबई।